हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको अपने तैयारी करने का तरीका बतलाता हूँ। जब मैंने नेट क्रैक करा और उससे पहले पीजीटी में तैयारी कर रहा था, तो मैंने अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स बना रखे थे, फोटो स्टेट भी कर रखी थी। प्राइवेट जॉब करता था, वहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलता, और अगर आपके पास टाइम भी हो तो आप तैयारी करोगे तो आपको कोई तैयारी करने नहीं देगा, कैमरे लगे होते हैं। तो मैं क्या करता था, जब मेरा काम ख़त्म हो जाता था तो बुक्स के बीच में मैं नोट्स रख लिया करता था। उन्हें लगता था कि मैं अपना कुछ काम स्कूल का कर रहा हूँ और मैं पढ़ाई कर लेता था, तो मैं हमेशा अपना टाइम निकालता था। सोशल लाइफ थी, उसको भी मैं प्रभावित नहीं करता था। आप भी अपनी स्ट्रैटेजी को, जो आपके लिए परफेक्ट है, उस तरीके से तैयारी करिएगा। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आपको बतलाई है। तो शुरू करते हैं आज का प्ले, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लोपेट्रा 1606 1607 में लिखा गया था। ये एक रोमन ट्रेजेडी है जो रोम और इजिप्ट में सेट है। प्ले स्टार्ट होता है जूलियस सीजर के ख़त्म होने के बाद में। जूलियस सीजर की डेथ के बाद में रोमन एम्पायर्स को तीन पावर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ट्राइम्वर्स में ऑक्टेवियस, लैपिडस और एंटनी के बीच में। अगर हम सीन की बात करें तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा में सबसे ज़्यादा सीन्स हैं। एंटोनी एंड क्लोपेट्रा कवर करता है 10 ईयर्स के पीरियड को। एंटोनी एंड क्लोपेट्रा हैज़ कॉमिक सीन्स, इसमें बहुत सारे कॉमिक सीन्स हैं। लास्ट एक्ट में क्लाउन आता है, उसे सीन की गंभीरता को नहीं पता हुआ होता, उसके पास में एस्प जहरीले सांप हैं और कॉमेडी क्रिएट करता है। सोर्स की बात करें तो इसका भी सोर्स वही है जो जूलियस सीजर का था। थॉमस नॉर्थ ने 1579 में ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइफ ली थी। ये प्ले इस बुक से प्रभावित है। ड्रामेटिस पर्सन है, करेक्टर्स की बात करें तो मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस, ये ट्राइम्वर्स हैं। रोमन एम्पायर की पावर इन तीनों के बीच में डिवाइड है। मार्क एंटनी रोमन जनरल है एंड वन ऑफ द थ्री लीडर्स ट्राइम्वर्स हु रूल द रोमन रिपब्लिक। ऑक्टेवियस सीजर जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन है और अभी 20 साल का ही है। लेपिडस अनदर ट्राइम्वर हु सर्व्स बिटवीन एंटनी एंड सीजर द टू राइवल्स, तो ये एंटनी और सीजर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। क्लोपेट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट, फुलविया वाइफ ऑफ एंटनी, जिसकी डेथ हो जाती है जब एंटनी इजिप्ट में होता है। सेक्सटस पॉम्पे ट्रेवल क्रिएट करता है रोमन एम्पायर के लिए और जो रोमन एम्पायर के शिप होते हैं उनको लूटता है। एंटनीज पार्टी, एंटनी की पार्टी में डेमेट्रस हैं, फिलो है, इनोर बार्बस है और वेंटिडियस है। ऑक्टेवियस सीजर की पार्टी में ऑक्टेविया है, एग्रिपा है और डोलावेला है। क्लोपेट्रा की पार्टी में चार्मियन इज क्लोपेट्राज मेन लेडीज इन वेटिंग, तो ये क्लोपेट्रा की मेन मेड है। इराज क्लोपेट्रा सेकंड लेडी इन वेटिंग और मार्डियन एक यूनिक है। क्लाउन ये इजिप्शियन है, क्लाउन ये लास्ट एक्ट में क्लोपेट्रा के लिए जहरीले सांप लेकर आता है अंजीर की बास्केट में। एक्ट फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है इजिप्ट से। फिलो और डेमेट्रस टू रोमन सोल्जर्स बात कर रहे हैं कि उनका जनरल मार्क एंटनी अपनी ड्यूटी और जो रोमन्स के प्रति कर्तव्य उनको पूरा नहीं कर रहा है। एंटनी इज निगलेक्टिंग हिज ड्यूटी टूवर्ड्स रोम, एक मैसेंजर रोम से आता है, उसके पास एंटनी के लिए कुछ न्यूज़ है। एंटनी मना कर देता है सुनने के लिए। एंटनी कहता है लेट रोम इन टाइबर मेल्ट एंड द वाइड आर्क ऑफ द रेंज्ड एम्पायर फॉल, रोम को टाइबर नदी में पिघल जाने दो और बड़ी बड़ी इमारतों को एम्पायर को गिर जाने दो। हेयर इज माई स्पेस, मेरा स्पेस यहाँ पर है इजिप्ट में। मैसेंजर इन्फॉर्म करता है कि फुलविया की डेथ हो गई है। जब एंटनी को पता लगता है तो एंटनी पछताता है, वो कहता है ही लॉन्ग डिजायर्ड हिज वाइफ्स डेथ बट नाउ विशेज हर अलाइव अगेन, उसने चाहता उसकी वाइफ की डेथ हो जाए लेकिन अब वो चाहता है वो जिंदा रहे। एंटनी यहाँ पे कहता है देयर इज अ ग्रेट स्पिरिट गॉन, एक अच्छा व्यक्ति चला गया, दस डिड आई डिजायर इट, जिसको मैं चाहता था। वॉट आर कंटेम्प्ट्स डॉथ ऑफन हर्ल्ड फ्रॉम अस, वी विश इट आर्स अगेन, जिससे हम नफरत करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं, हम उसको दोबारा कई बार चाहने लगते हैं। इनोर बार्बस वहाँ पे आता है और एंटनी को दिलासा देता है। एंटनी दुखी है, उसे लगता है कि उसका जो आलस है, आइडलनेस है और जो डिवोशन है क्लोपेट्रा के प्रति, वो सब इस कारण का जिम्मेदार है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रोम में। ऑक्टेवियस सीजर कंप्लेन करता है लेपिडस से कि एंटनी ने अपनी जो ड्यूटी है रोमन्स के प्रति कर्तव्य है उसको वो नहीं निभा रहा है। सेक्सटस पॉम्पस है, उसकी आर्मी तैयार है रोम पर अटैक करने के लिए और जो जहाज हैं रोम के उनको वो लूट रहे हैं। इन इजिप्ट एंटनी डिसाइड्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम क्लोपेट्रा एंड रिटर्न टू रोम, तो इस तरीके से एंटनी भी अब डिसाइड कर लेता है कि वो रोम में जाएगा और क्लोपेट्रा से सारे रिलेशनशिप तोड़ लेगा। सेकंड सीन शिफ्ट होता है रोम में। सीजर आरोप लगाता है एंटनी को कि वो उन्हें मिलिट्री एड प्रोवाइड नहीं कर रहा है इस समय जब पॉम्पे की आर्मी तैयार है रोम पर अटैक करने के लिए। एग्रिपा एक सुझाव देता है कि एंटनी को मैरिज कर लेनी चाहिए सीजर की सिस्टर ऑक्टेवियस से और इस तरीके से उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और उनके डिफरेंस खत्म हो जाएंगे। एग्रिपा यहाँ पे एक लाइन कहता है बाय दिस मैरिज ऑल लिटिल जेलेसीज विच नाउ सीम ग्रेट, इस मैरिज से जितनी भी जो जेलेसीज हैं जो हमें बड़ी दिखाई दे रही हैं
वो ख़त्म हो जाएंगी। एंड ऑल ग्रेट फियर्स विच नाउ इम्पोर्ट दियर डेंजर्स वुड देन बी नथिंग, और जितने भी जो डर हैं जो बहुत खतरनाक नज़र आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ट्रुथ वुड बी टेल्स, जो ट्रुथ है वो हमें कहानियाँ नज़र आता है। वे आर नाउ हाफ टेल्स बी ट्रुथ, और जो आधी कहानियाँ वो हमें ट्रुथ नज़र आती हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इनोर बार्बस एग्रिपा को बताता है कि वो कितने शानदार तरीके से इजिप्ट में रह रहे थे। इनोर बार्बस क्लियोपेट्रा के बारे में बताता है कि एज कैन नॉट विदर हर, एज उसे कभी भी मुरझा नहीं सकती। नॉर कस्टम स्टेल, हर इनफाइनाइट वैरायटी अदर वुमेन क्लॉय द एपीटाइट्स दे फीड बट शी मेक्स हंग्री, इसका मतलब है कि जो क्लियोपेट्रा का जो चार्म है वो इनफाइनाइट और एटर्नल, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। जितनी भी लेडीज हैं उनमें एक समय के बाद में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसमें वो बढ़ता रहता है। शी मेक्स हर लवर मोर एंड मोर ईगर फॉर हर। एंटनी थिंग्स टू गो टू ईस्ट इजिप्ट वेयर हिज प्लेजर लाइज। तो यहाँ पे पूछा भी गया है प्लेजर लाइज से मतलब क्या है। तो एंटनी सोचता है कि वो अब इजिप्ट जाएगा जहाँ पर उसके प्लेजर हैं। बिफोर वेजिंग अ वॉर पॉम्पे एंड ट्राइम्वर्स होल्ड अ मीटिंग दे मेड अ ट्रूस। तो पॉम्पे और ट्राइम्वर्स के बीच में एक संधि हो जाती है। एक्ट थर्ड, एंटनी और ऑक्टेविया के बीच में मैरिज हो जाती है। सीजर अलविदा कहता है एंटनी और अपनी सिस्टर ऑक्टेविया को, और एंटनी से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी सिस्टर का ध्यान रखे। अब एंटनी और ऑक्टेविया चले जाते हैं, साथ में रहने लगते हैं, लेकिन समय के साथ में उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट होने लगते हैं। ऑक्टेविया अपने भाई की जब भी बात करती थी तो एंटनी को गुस्सा आ जाता था। एंटनी अपनी वाइफ के बारे में कहता है हर टंग विल नॉट ओबे हर हार्ट, जो वो कहती है वो हार्ट से नहीं कहती है। इट मीन्स देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन टंग एंड हर हार्ट। एंटनी ये भी कंप्लेन करता है ऑक्टेविया से कि सीजर हैज़ नॉट ओनली वेज्ड वॉर अगेंस्ट पॉम्पे बट हैज़ ऑल्सो बी लिटिल एंटनी इन पब्लिक। ऑक्टेविया एंटनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दे, और उससे ये भी कहती है कि वो उसके भाई से संधि कर ले। एंटनी अपने आप को रोक नहीं पाता और अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट पहुंच जाता है, इजिप्ट की राजधानी अलेक्जेंड्रिया। यहाँ पर सीजर और उसकी आर्मी इजिप्ट पर हमले के लिए तैयार है। तो क्लियोपेट्रा और एंटनी अब डिसाइड करते हैं कि वो सीजर के खिलाफ लड़ेंगे। तो सीजर प्लान्स टू गो इनटू बैटल अलोंगसाइड एंटनी। इनोर बार्बस जो है वो मना करता है कि क्लियोपेट्रा को लड़ाई पर नहीं जाना चाहिए, इससे डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन क्लियोपेट्रा मना करती है। वो कहती है कि वो भी एंटनी के साथ में लड़ाई में जाएगी। एंटनी टेल्स हिज जनरल दैट ही विल मीट सीजर एट सी। यहाँ पे एंटनी कहता है कि वो लड़ाई समुद्र में लड़ेगा, जबकि इनोर बार्बस कहता है कि उन्हें लड़ाई ज़मीन पे लड़नी चाहिए, क्योंकि सीजर का जो फ्लीट है वो ज़्यादा ताकतवर है समुद्र में, और एंटनी की जो ज़्यादा ताकत है वो ज़मीन पर है। क्लियोपेट्रा कहती है कि वो समुद्र में लड़ेंगे, तो जैसा क्लियोपेट्रा कहती है वैसा ही एंटनी करता है। कैमिडियस शिकायत करता है कि वो सब वुमेंस मैन हो गए जिन पे क्लियोपेट्रा का राज है। जैसा क्लियोपेट्रा कहती है वैसा एंटनी करेगा, और जैसा एंटनी करेगा वैसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा। एंटनी के फ्लीट का नाम एंटोनाइड है, जिसमें 60 शिप्स हैं। इसको लीड कर रही है क्लियोपेट्रा। जब क्लियोपेट्रा का सामना होता है सीजर के फ्लीट से तो क्लियोपेट्रा भाग जाती है, और इसके साथ साथ एंटनी के सोल्जर्स भी भाग जाते हैं। एनोरबाबस बहुत दुखी होता है, क्योंकि एक बहादुर सैनिक अपनी मूर्खता की वजह से हार रहा है। इनोरबाबस सेज दैट वेलर विल नॉट कंपनसेट नाउ। अब बहादुर भी कंपनसेट नहीं कर सकती। व्हेन वेलर प्रेज ऑन रीजन इट ईट्स अ स्वॉर्ड इट फाइट्स। बहादुरी रीजन को ख़त्म कर दे तो तलवार का भी कोई फायदा नहीं। एक्ट फोर्थ, सीजर कैंप आउटसाइड अलेक्जेंड्रिया। सीजर कहता है कि एंटनी उसे बॉय बुलाता है। सीजर ये भी कहता है कि एंटनी ने उसे चैलेंज भेजा है पर्सनल कॉम्बैट के लिए, जबकि वो तो लड़ाई ऑलरेडी जीत चुका है। सीजर मना कर देता है इस चैलेंज के लिए। एंटनी लड़ाई हार चुका है, एंटनी बहुत दुखी है, और वो इसका आरोप जो है क्लियोपेट्रा पे लगाता है। एंटनी कहता है ऑल इज लॉस्ट, सब खत्म हो गया। दिस फाउल इजिप्शियन, यहाँ पे इजिप्शियन जो है वो क्लियोपेट्रा को कहा हैथ बिट्रेड मी, मुझे धोखा दिया है। क्लियोपेट्रा आती है और किसी तरीके से एंटनी को समझाती है। वो दूसरी लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं। एंटनी ये भी स्वीकार करता है कि उसने काश सीजर से लड़ाई ज़मीन पे लड़ी होती। एंटनी को ये भी पता लगता है कि इनोर बार्बस जो उसका मित्र है वो उसे छोड़ के चला गया है। एंटनी बहुत दुखी होता है और अपने दोस्त इनोर बार्बस के लिए एक ट्रेजर भिजवाता है। जब इनोर बार्बस को ये खजाना मिलता है तो इनोर बार्बस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुसाइड कर लेता है। एंटनी की आखिरकार जीत हो जाती है और वो अलेक्जेंड्रिया पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन समुद्र में क्लियोपेट्रा का फ्लीट दोबारा धोखा दे देता है और वो सीजर से मिल जाता है। एंटनी अपनी हार का जिम्मेदार क्लियोपेट्रा पे लगाता है। क्लियोपेट्रा को पता लगता है कि एंटनी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि क्लियोपेट्रा की आर्मी ने धोखा दे दिया और वो सीजर से मिल गई थी।
चार्मियन सुझाव देती है कि वो एंटनी को इन्फॉर्म करेंगे कि क्लोपेट्रा ने सुसाइड कर लिया, इस वजह से एंटनी का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। जब एंटनी को पता लगता है कि क्लोपेट्रा ने सुसाइड कर ली तो एंटनी बहुत दुखी होता है और तलवार से अपने आप को बुरी तरीके से घायल कर लेता है। एंटनी एंटनी अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो उसे क्लोपेट्रा के पास ले जाएं। अलेक्जेंड्रिया पर सीजर की आर्मी का कब्जा हो चुका है, तो यहाँ पर जिस बिल्डिंग में यहाँ पर एक बिल्डिंग में क्लोपेट्रा है वो ऊपर की तरफ है और जो एंटनी है वो उस बिल्डिंग के नीचे है। एंटनी क्लोपेट्रा से कह रहा है कि वो नीचे आकर उसे ले जाए। क्लोपेट्रा कह रही है ऊपर से कि तुम ऊपर आ जाओ। क्लोपेट्रा नीचे नहीं आ सकती, उसे ऐसा लग रहा है कि अगर वो नीचे आई तो सीजर की जो आर्मी है, जो सोल्जर्स हैं, वो उसे बंदी बना लेंगे। आखिरकार वो उसे अंदर खींचते हैं, दे पुल हिम असाइड, दे पुल हिम इनसाइड। एंटनी की डेथ हो जाती है और जो जितने लोग होते हैं वो इस दृश्य को देखते हैं, वो उसे हैवी साइड कहते हैं। दोनों लवर्स मिलते हैं लेकिन एक मर चुका है। एक्ट फिफ्थ, क्लोपेट्रा ऑर्डर देती है अपनी मेट चार्मियन और इरास को कि वो उसे रॉयल क्लोज में तैयार कर दें। एक क्लाउन आता है, बास्केट में उसके कुछ अंजीर हैं, फिक्स हैं, और उसमें पॉइजनस स्नेक्स हैं। क्लाउन को इस सीन की गंभीरता का नहीं पता, वो कॉमिक एलिमेंट क्रिएट करता है। इरास सबसे पहले सांप को उससे कटवाती है और उसके बाद क्लोपेट्रा अपनी आर्म पर सांप से कटवाती है और उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद में चार्मियन की भी डेथ हो जाती है। डोलावेला और सीजर वहाँ पर आते हैं। सीजर ऑर्डर देता है कि क्लोपेट्रा की डेड बॉडी को एंटनी के साथ में ही दफना दिया जाएगा। प्ले कंप्लीट हो चुका है। जितने भी फैक्ट्स और कोटेशंस थे वो मैंने आपको बतला दिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अब बतलाने जा रहा हूँ। फर्स्ट, व्हाई डज सीजर कंडेम एंटनी फॉर अमेंडिंग रोम? सीजर जो है वो एंटनी की क्यों बुराई करता है एंटनी के रोम छोड़ने पर? क्योंकि सीजर और लेपिड्स जो हैं वही रोम में बचे हुए हैं और पॉम्पे जो है वो रोम पर अटैक करने वाला है। सेकेंड, अपॉन लीविंग इजिप्ट व्हाट डज एंटनी सेंड टू क्लोपेट्रा एज अ गिफ्ट? जब एंटनी इजिप्ट छोड़ कर चला जाता है तो क्लोपेट्रा गिफ्ट के तौर पर एंटनी के लिए क्या भिजवाती है? अ पर्ल। थर्ड, हाउ डज क्लोपेट्रा रिएक्ट टू द न्यूज़ दैट एंटनी हैज़ मैरिड ऑक्टेविया? जब क्लोपेट्रा को पता लगता है कि एंटनी ने रोम में ऑक्टेविया से मैरिज कर ली है तो वो कैसे रिएक्ट करती है? तो जो मैसेंजर ये न्यूज़ लेकर आता है उसे वो पहले पीटती है और बाद में उसे ऑर्डर देती है वो जाए और ऑक्टेविया को देखे और फिर वो कंपेयर करे उससे कि क्या वो उससे बेहतर है। वीडियो को आप देखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।